मध्य प्रदेश के धार जिले के क्षत्रिय राजपूत धर्मशाला उटावद में समंदर सिंह पटेल व युवाओं की मौजूदगी में राजपूताना संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजा भोज की नगरी में 29, 30 और 31 मई 2022 को होने जा रहे 3 दिवसीय शिविर की भी जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्राम उटावद में समर भूमि शिविर का आयोजन को लेकर जय राजपूताना संघ की बैठक क्षत्रिय राजपूत धर्मशाला उटावद में समंदर सिंह पटेल व युवा साथियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। राजा भोज की नगरी में 29, 30, 31 मई 2022 को राजपूत क्षत्रिय समाज के 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज जन को साफा प्रशिक्षण, तलवारबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी के साथ संस्कार, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का ज्ञान दिया जाएगा। बैठक में जय राजपूताना संघ के प्रदेश संयोजक लाखन सिंह कठोड़िया, कार्यकारिणी सदस्य जितेंद्र सिंह कंसवासा, शिविर प्रमुख गोपाल सिंह बारौली, शहर शिविर प्रमुख प्रधुन सिंह, बौद्धिक प्रमुख जय सिंह महाराजगंज, जिला मीडिया प्रभारी विशाल सिंह चावड़ा, शिमला वदा उपस्थित थे। आज जो मीटिंग रखी गई थी इस विषय में थी कि धार जिले में काफ़ी समय हो चुका है समर भूमि शिविर का आयोजन नहीं हो पाया है, लॉकडाउन के कारण भी और कई ऐसे कारण हैं जिस मतलब हम लोग बच्चों को यहाँ पर एकत्रित नहीं कर पाए, प्रशासन की अनुमति नहीं थी, बीच में कई कारण आए। तो अब ये फैसला लिया गया है कि मई में 28 की शाम से 29, 30, 31 तक समर भूमि शिविर का आयोजन मई महीने में होने जा रहा है, जो कि धार जिले के उटावद गांव में रहेगा। आप सभी सादर आमंत्रित जरूर। वहीं कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोडिया को जिला संयोजक, योगेंद्र सिंह तोमर को सह संयोजक, बबलू सिंह सोलंकी को शिविर प्रमुख, वीरेंद्र सिंह राठौर को जिला सचिव, सुरेंद्र सिंह कनवासा को जिला महामंत्री, मनोहर सिंह निजामपुरा को जिला प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।